प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल होंगे। 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पीएम मोदी 2019 के बाद पहली बार आमने सामने बैठेंगे। सभी नेता कोरोना के कारण वर्चुअल बैठक हो रही थी। अब तक कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। चीनी राष्ट्रपति से अभी तक द्विपक्षीय वार्ता तय नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, जब से 2006 में इसका निर्माण हुआ और जैसा आप बता रहे थे 40 और देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, 23 ने आवेदन भी दिया, वर्ल्ड की एक तरह से इकोनॉमी के लिहाज से भी देखें 40% से ज्यादा ये कवर करता है, इस दौरे पर भारत के लिए क्या खास है और पीएम मोदी का ये दौरा क्यों अहम बताया जा रहा है? जी देखिए, अगर ब्रिक्स समिट की बात करें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो कई मायनों में ये भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। ये तो अभी एक 5 देशों का संगठन है और जैसा कि आपने बताया कि 40 से ज्यादा जो कंट्री हैं इसमें शामिल होना चाहते हैं, 23 ने तो आवेदन भी दे दिया है। तो एक तो इस मल्टीलैटरल फोरम पे भारत जो है वो अपनी बात कहेगा और खासतौर पे इसका जो ये जो बनाया गया है वो आपसी आर्थिक सहयोग के लिहाज से बनाया गया है और ऐसे में जो अलग अलग देश हैं, चाहे वो ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो रूस हो और चीन हो, उनके साथ किस तरह से संबंध जो है आर्थिक संबंध बढ़ाए जाएं, तो इस फ्रेमवर्क में उसको लेकर काफी जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। दूसरी हम बात है कि क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है और साउथ अफ्रीका ने मेजबान देश के तौर पे तकरीबन 60 से ज्यादा जो देश हैं उनको इनवाइट किया है जो कि मेंबर नहीं है ब्रिक्स के अभी, उसमें बहुत देशों की जो तादाद है, साउथ अफ्रीकन जो साउथ अफ्रीका ने जो बुलाया है जिन देशों को, उसमें बहुत बड़ी तादाद अफ्रीकी देशों की भी है और अफ्रीका आउटरीच के लिहाज से भारत के लिए दौरा काफी अहम है। अफ्रीका के देशों के साथ किस तरह से जो आपसी संबंध है वो बढ़ाए जाएं, किस तरह से उस क्षेत्र में भारत अपना प्रभाव बढ़ाए, इसको लेकर भी पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहमियत रखता है। एक बड़ा मुद्दा जो इस विजिट में आने वाला है ब्रिक्स समिट के दौरान, वो है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर, और भारत का रुख इस पर साफ है कि भारत एक खुले दिमाग से और एक सकारात्मक रुख रखता है किस तरह से एक्सपेंशन हो, कैसे और देशों को इसमें शामिल किया जाए। तो कई जो बातें हैं वो अहम है और सबसे ज्यादा जो निगाह इस पर होगी इस विजिट पर वो इस बात को लेकर होगी कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है नहीं। मुलाकात को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि इसकी संभावना पूरी है। हालांकि कल जब विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय बातचीत के शेड्यूल को अभी तैयार किया जा रहा है और जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा वो बताया जाएगा। तो एक बड़ी संभावना इस बात को लेकर है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो, और हमने देखा था कि पिछले साल बाली में दोनों के बीच प्लीजेंट्रीज जो एक्सचेंज हुए थे और उसके साथ में यह भी कहा गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से कि रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर एक संक्षिप्त बातचीत जो है वो हुई। तो अब देखना है कि इस बार क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ बात होती है और एलएसी पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से भारत लगातार कह रहा है कि 5 अगस्त 2020 के पहले की जो यथास्थिति है वो बहाल की जाए, तो क्या उस दिशा में बात आगे बढ़ती है, क्योंकि कमांडर लेवल की जो भी बातचीत हुई है, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे जो तनाव है उसको घटाने में अभी तक नाकामयाबी रही है और भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते को जोड़ दिया है एलएसी पे जो परिस्थिति है उसको लेकर। तो ये बहुत अहम इस लिहाज से भी है कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ बात होती है और होती है तो किस दिशा में बातचीत जाती है। एक अहम बात यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति जो है वो इसमें वर्चुअली हिस्सा लेंगे, वो वहां पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत की एक कोशिश ये भी होगी कि जो G20 समिट जो कि अगले महीने 9-10 सितंबर को दिल्ली में होना है, तो G20 के जो लीडर्स यहां जोहान्सबर्ग में मौजूद होंगे उनके साथ एक बेहतर तालमेल कर एक बेहतर तालमेल बिठाया जाए ताकि G20 समिट के दौरान जो साझा एक बयान जिसकी उम्मीद की जा रही है उसको लेकर एक आम सहमति बन सके। तो कई लिहाज से ये दौरा काफी अहम है और साउथ अफ्रीका का दौरा खत्म करने के बाद पीएम ग्रीस भी जाएंगे और वहां पे भी द्विपक्षीय स्तर की बातचीत होगी, तो काफी अहम है ये दौरा। अगले 3 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पे हम सबकी निगाह बनी रहेगी। जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। उमा ने विस्तार से बताया कि क्या कार्यक्रम है वहां पे और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात पे सबकी नजरें हैं। अगर ऐसा होता है तो तकरीबन तीन साल बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की जो प्रीमियर है दोनों, उनकी एक तरह से मुलाकात होगी और ये भी देखना होगा कि किस दिशा में ये बात जाती है। इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया उमा।
और चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर लैंडिंग का दूसरा विकल्प भी तैयार रखा गया है। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को ही लैंडिंग होगी। ऐसा ना होने पर 27 अगस्त को लैंडिंग का दूसरा विकल्प तैयार रहेगा। वैज्ञानिक लैंडर और चंद्रमा के हालात पर गौर करने के बाद तारीख बढ़ाने का फैसला करेंगे। तो भारत का चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और उसके भीतर प्रज्ञान रोवर की चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले के 20 मिनट दहशत के 20 मिनट कहलाते हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 यही लड़खड़ाया था। एनडीटीवी के पल्लव बागला की यह रिपोर्ट देखते हैं। Here we have a majestic liftoff of LEO-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. भारत के खगोलीय दहशत के 20 मिनट, दहशत के 20 मिनट की तैयारी कर रहा है। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवर ट्रैकिंग। शानदार लिफ्ट ऑफ के बाद इसरो के बाहुबली रॉकेट ने चंद्रयान 3 को धरती की कक्षा में रखा। 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड। चंद्रयान 3 ने धरती के कई चक्कर काटे और रफ्तार बढ़ाई। 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान को चांद की तरफ 3.84 लाख किलोमीटर के तनहा सफर के लिए धकेला गया। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद की कक्षा में आहिस्ता से दाखिल हुआ। 1 अहम कदम था प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से 17 अगस्त को अलग होना। अब उपग्रह 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में था। जल्द ही विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब अंडाकार कक्षा में आता है, जिसके बाद उतरने की तैयारी होती है। लैंडिंग के रोज दहशत के 20 मिनट शुरू होते हैं। नीचे उतरते समय विक्रम चांद की सतह पर 1.68 किलोमीटर सेकंड या लगभग 6000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगा, यानी विमान से 10 गुना तेज। विक्रम 4 चालू इंजनों के साथ अपनी रफ्तार धीमी करता है और चांद की सतह के साथ लगभग हॉरिजॉन्टल है। इसे रफ ब्रेकिंग चरण कहते हैं, जो लगभग 11 मिनट चला। फिर वो चांद की सतह पर सिर्फ 2 चालू इंजनों के साथ उतरेगा। पायों को इतना मजबूत बनाया गया है कि 3 मीटर पर सेकंड या 10.8 किलोमीटर पर घंटे के टकराव को झेल सकते हैं। पायों पर लगे सेंसर को चांद की सतह के महसूस होते ही इंजन बंद हो जाएंगे और दहशत के 20 मिनट निकल जाएंगे। तिरंगा चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद रैंप खुलेगा। प्रज्ञान रोवर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया जाएगा। प्रज्ञान रोवर जब चांद की सतह पर पहुंच जाएगा तो रोवर चांद पर घूमने के लिए आजाद हो जाएगा। अहम घड़ी तब आएगी जब विक्रम लैंडर रोवर की और प्रज्ञान रोवर लैंडर की तस्वीरें लेंगे। इसके बाद चांद के ऊपर ली गई ये पहली सेल्फी भारत भेज दी जाएंगी। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों सौर ऊर्जा पर चलते हैं।
और चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों तक काम कर सकते हैं। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजधानी दिल्ली में दो दिनों की G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें करीब 40 देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और बाकी दूसरे स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई है। इसमें सामान्य बीमारी के अलावा केमिकल अटैक के मरीजों के उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया गया है। अलग अलग देशों के नुमाइंदे, नजर पूरी दुनिया की रहेगी। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेडिकल सेवाएं भी अलर्ट पर, तैयारी सामान्य उपचार से लेकर केमिकल अटैक तक से निपटने की, लेकिन स्वागत में कोई कोर कसर नहीं। कभी कभी केमिकल अटैक होता है तो उसके लिए क्योंकि वो क्लोथ्स पर भी उसका प्रभाव होता है, एयरवे पे प्रॉब्लम होता है, इसके साथ साथ उसके लिए अलग से हमने एक रूम बनाया है। यदि कोई भी ऐसा केस होता है तो उसको केमिकल अटैक का जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होता है, उसका जो एक रूम है, ट्रीटमेंट रूम है, वो भी अलग, और उसमें कैसे उनके कपड़ों को हैंडल करेंगे, कैसे जो स्टाफ है वो अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को तैयार करेगा, क्योंकि केमिकल जो होता है उससे जो ट्रीटमेंट करता है उसको भी कई बार नुकसान होता है, तो उसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग हमने की है। दिल्ली में एम्स के बाद लेडी हार्डिंग अस्पताल में 125 से ज्यादा डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है। खासकर लुटियंस दिल्ली के केंद्र और दिल्ली सरकार के उन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को जो G20 समिट के दौरान ड्यूटी पर होंगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ से ट्रेन हो गए हैं लोग डॉक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे कराई जा रही है। एडवांस उसके लिए CBRN ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, तो रेडिएशन से जो भी कोई अगर अटैक हो, इस तरह खतरा होता है, उसे किस तरह टैकल करना, आगे कैसे हैंडल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य के अस्पतालों के स्टाफ से लेकर डॉक्टर को ट्रेन किया गया है। अतिथि देवो भव में यकीन रखने वाले भारत देश में सम्मेलन विश्व स्तर का है तो पल भी गौरव का, ऐसे में तैयारी भी जरूरी है, तमाम आशंकाओं को खारिज भी किया जा सके और तैयारी अपने स्तर पर मुकम्मल भी रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।